बासु फिर गया। वासु मिष्टी है नहीं है बेटा, वो बाहर गया खेलने के लिए। जाओ रे बाहर गली में, जा बाहर गली में, वो बाहर गली में खेल रहा है आगे गाड़ी के पास। तो जी आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी बहुत सारी क्लिप कट गई, बगैर ये दुख होता है जब स्पेस नहीं रहता फ़ोन में, तो कुछ क्लिप ऐसे कट जाती हैं धोखे से, वही मेरे साथ हो गया आज। तो ये तो मैंने अपना बहुत सारा काम आज किया है रसोई में, वो सारा कट गया। तो ये पीछे वाली क्लिप है मेरी जो मैंने अब बनाना शुरू किया, क्या कुछ ब्लॉग थाने डालने के लिए। तो जी अब मैं बना रही हूँ मूली के परांठे, और सुबह मूली की भुजी बनी थी, बच्चे खाते नहीं है मूली की भुजी, तो मैंने दो मूलियाँ रख ली थी, मैंने पता था कि बच्चे खाएंगे नहीं, तो मैंने शाम को आलू और मूली, दो आलू और मूली के पत्ते, एक दो मूली उबाल के रख दी थी, तो सुबह वो सब्जी बन गई थी भुजी। और दो मूली रख ली थी, तो मैं इसकी अब बना रही हूँ, अब बनाऊँगी मैं इसके परांठे। तो जी मैंने मूली को छील के और कस के कद्दूकस करके निचोड़ लिया है, और इसमें हरी मिर्ची साइड में काट के रख दिए, और हरा धनिया डाल दिया। जितना हरा धनिया डालोगे उतना ही अच्छा लगता है परांठे, किसी भी परांठे में। आटा में लगाए रखा नमक डाल के, और भी टाइम हो गया है दिन के लगभग 12 बज गए थे। एक बात और, अगर साथ के साथ लोग बनता रहे, यानी कि साथ के साथ मिक्सिंग होती रहे तो अच्छा होता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो पाता मेरे से ऐसा, क्योंकि यहाँ पे शोर शराबा इतना आता कि बहुत ही ज़्यादा, आप देखते भी होंगे, मैं कई बार ऐसे छोड़ देती हूँ वीडियो बीच में, तो नहीं बन पाती, और बाद में फिर सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाती हैं, भूल जाते हैं कुछ बातें रह जाती हैं, तो उससे ये रहता है मन में नहीं अच्छा से नहीं हुआ, और एक भाई स्पेस भी नहीं रहता फ़ोन में। इतना सारा मेरा व्लॉग था, ये मतलब क्लिप थी मेरी, सारी कट गई, मैंने उड़ाई, पता नहीं खुशी ने उड़ा दी, पता नहीं किसने, पता नहीं धोखे से कट गई लगता है। तो जी अब मैंने अपना नमक अलग से ले लिया है, नमक उसके अंदर मैंने मिलाया नहीं है मूली के अंदर, सबको पता है, क्योंकि मूली के अंदर अगर नमक मिला देती तो भाई वो बिल्कुल पानी छोड़ देती और अच्छे से परांठे नहीं बनते मेरे मूली के, इसलिए मैंने मूली निचोड़ के बिल्कुल टाइट निचोड़ के ले ली है। इसमें धनिया और हरी मिर्ची डाली है और कुछ नहीं डाला है मैंने। तो जब जितना भी मैं परांठे के अंदर मूली भरूँगी उसके हिसाब से इसके अंदर थोड़ा थोड़ा नमक मैं मिलाती रहूँगी, और मूली के परांठे बन जाएंगे और बिल्कुल मीडियम आंच पे। तो जी मुझे एक साल हो गया है ब्लॉग बनाते बनाते, लेकिन वो बात नहीं बन पाई है, पता नहीं क्यों, कोशिश तो मेरी पूरी रहती, मैंने अभी भी अपना हौसला छोड़ा नहीं है, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो बोलते हैं ना, हौसला छोड़ने वालों की ही जीत होती है, तो वही मुझे उसी चीज़ का इंतज़ार है, मुझे देखते कब कामयाब होते हैं। तो जी मैंने परांठा एक डाल दिया है, वासु को पता है कि आज परांठे बन रहे तो उसको बहुत भूख लगी, लेकिन उसको आलू वाले परांठे सबसे अच्छे लगते हैं, बोलता है मम्मी आप पता नहीं वो पीले वाले परांठे नहीं बनाते। तो भैया ठंडी आ गई तो कभी कभार मूली के, मेथी के, आलू के, गोभी के, मटर के कभी कभार ऐसे बनेंगे, क्योंकि ठंडी में ही लेते हैं हम, गर्मी में हमें कभी नहीं बनाती। क्या हुआ, कभी सुबह बच्चों को टिफ़न में कभी बना के डाल दिया मैंने ताकि नरम रहे, इसलिए, नहीं तो मैं ठंडे में नहीं बनाती ये सब चीज़ें, गर्मी में नहीं बनाते परांठे, सॉरी। पता नहीं मुझे वही बात है ना कि साथ साथ लिफ्टिंग हो जाए तो ही अच्छा होता है, बाद में तो गड़बड़ होती ही होती है ज़रूर। तो जी मेरा परांठा बन रहा है, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, और बहुत ही मुझे दुख है इस चीज़ का कि मेरी बहुत सारी क्लिपें कट चुकी हैं, बहुत ही मन दुखी है, क्या करें भाई, पुराने फ़ोन हो चुके हैं, स्पेस रहता नहीं है इतना फ़ोन में,
तो जी अब मैंने सारे परांठे वरांठे बना लिए थे, रोटी बना ली थी मम्मी ने। मम्मी देखो आपको दिख रही साइड, मम्मी बाहर खा रही, मैं अंदर आ गई थी ना कि अपना भी बाद में खाना स्टार्ट किया है मैंने। तो मैं आप सबको बोल रही हूँ आज ये आप भी खा लीजिए। तो जी ये मेरी भुजी है जो सुबह बनी थी, ये मेरी चटनी है इधर वाली, इधर वाली दही है, ये परांठे हैं। तो जी ये मेरा आज का खाना है। और मौसम भी बिल्कुल भयानक हो गया है, एकदम से ही ऐसा मौसम हो गया बिल्कुल बारिश का, और बारिश आ भी रही, हल्की हल्की बूंदें हो रही हैं। तो खुशी ने पंखा बंद कर किया है गैलरी का, और अभी बाहर का आपको दिखाने के लिए गई थी। तो देखिए आधे साइड में बारिश है और आधे साइड में नहीं है, इधर इधर है उधर नहीं हो रही। तो थोड़ी देर के बाद बिल्कुल बहुत भयानक बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। और वहाँ से सामने वाले जो बच्ची हैं उनके साथ खेलने के लिए गया है, अभी देखिए बारिश बहुत ज़ोर की हो जाएगी अब। और अब मैं शाम की क्लिप लूँगी थोड़ी सी, बस अब थोड़ी देर आराम करूँगी। तो जी शाम को मैंने अपनी बना ली है चाय, टाइम हो गया है 3 बज गए हैं, चाय बना ली है मैंने। तो अब थोड़ी देर बैठ के चाय लेंगे मैं और मम्मी, और वह चाय पीने के बाद फिर मेरे को देखनी है गेहूँ। चाय पीने के बाद भी मैं थोड़ी देर के बाद अपनी प्रेस व्रेस कपड़ों की तय करूंगी। और फिर उसके बाद टाइम हो गया था मेरा कम से कम 7:30 का करीब का टाइम हो गया था। तो मम्मी ने बोला कि गेहूँ है थोड़ा सा देख दे कहीं इसके अंदर कुछ हो ना हो, क्योंकि वैसे तो ये अच्छे वाले गेहूँ हैं। तो फिर भी मन नहीं मानता, पैकिंग में जैसे भाई छोटे छोटे गोले डाल देते तो डर रहता इस चीज़ का। तो हम हाथ मार के मैं अभी देख लूँगी कहीं कुछ है तो नहीं, वैसे बिल्कुल ही साफ गेहूँ है। तो मम्मी अब घर के लिए आटा पीसेगी, और मैंने आटे वाली टंकी जो होती है वो बिल्कुल साफ़ करके धो के रख दी, क्योंकि भाई अब श्राद्ध लगने वाले हैं तो ये चीज़ अब होना लाजमी है, साफ़ सफाई थोड़ी थोड़ी। तो यही मैंने आज थोड़ा सा व्लॉग बनाया था, तो लेकिन मेरा वो कट गया, बहुत ही मन दुखी है। मैंने आज ही देखा जब मैंने जब क्लिप जोड़नी ऐड करनी स्टार्ट की ना, तो तभी मैंने देखा कि ये क्या बिल्कुल फ़ोन साफ हो रखा था। तो जी जो पीछे वाली क्लिप है यही मैंने अपनी ऐड करके ही बनाया है व्लॉग आज का, प्लीज़ पूरा देख लेना और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दिया करो और पूरे व्लॉग देख लिया करो, फिर टाइम मिनट से मुझे पता चलता है कि भाई किसने कितना देखा या नहीं देखा। तो ये मैं गेहूँ साफ कर रही हूँ, इसके बाद मेरे को खाना बनाना है शाम का, क्योंकि अभी 7:30 हुए हैं। तो रोज़ डेली दाल बनाती हूँ मैं शाम को, अच्छी भी रहती है, हल्का खाना हो जाता है। तो जी मेरे हाथों में 2 अलग अलग कड़े दिख रहे होंगे आपको, ये एक ब्लैक है एक पीले वाला, क्योंकि इन दोनों बिल्कुल ही नए थे और इनके एक एक मेरे भाई जैसे हो गए थे ये। तो मैं सोचती हूँ घर में रहते तो इनका यूज़ कर लेती हूँ, बाहर जाते तो निकाल देती हूँ, घर में रहते तो पहन लेती हूँ इनको, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो जी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक मेरी राम राम।